से कम 1000 गांव नहीं 5000 गांव होंगे, सब पीड़ित हो गए हैं। हाँ, इससे इतना उल्टा काम ये सरकार कर रही है। अधिकारी आए थे, उन्हीं तो बोल के गए हैं, चिन्ह लगा के गए हैं, इतना जाएगा चिन्ह लगा के। हाँ, और क्या, और कुछ कुछ नहीं दे रहे हैं। तो साला डीजल का पैसा भी नहीं आता, क्या किया जाए। इलेक्ट्रिक बसें भी चल गई हैं और फिर यहाँ नगर निगम का पैसा भी देना पड़ता 82 रुपए। तमाम ऐसी परेशानियाँ हैं हर ऑटो वालों के पास। सब आता है, वोट मांगता है, चल जाता है, रोड नहीं बनाता है। आज वोट गिनना है, उसी के एक दिन पहले खोदी थी जनाले। तो ये तो लालच दिया, लालच के दिए। हम ऐसे ऐसे गांव में गए जहां कभी मीडिया का नामो निशान नहीं है, वहां कोई जाते नहीं है, और हाशिए पर रहने वाले लोगों के साथ में जो हम चुनावी चर्चा किया, बलात्कार, अपहरण या कोई भी छेड़छाड़ का कोई भी केस होता है, तो सरकार को चाहिए कि वो आगे बढ़ के ऑन द स्पॉट कोई भी डिसीजन ले। वोट तो हम सब चुने थे कि हाँ हमारे सबका अच्छा करें, हमारे सबका हर चीज़ के सुविधा दे हैं, और वही सब लेके अपन बड़े के बड़े बनावत हैं। हर जनजाति होने के कारण बहुत से लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनको संविधान के बारे में नॉलेज नहीं, तो अपना हक सही से नहीं ले पाते। इस गहरी रिपोर्ट के साथ में जो हमारी समझ विकसित हुई, जो हम विश्लेषण कर पाए कि एक तरफ जहां सरकार बोलती थी कि उसने बहुत विकास कराया है, लेकिन जब हम उन मुद्दों को लेकर के जब हम गांव में गए, मीरा में गए, हम दोनों गए हैं, तो वहां पर ना तो लोगों के पास में रोजगार है, ना तो बिजली है, ना तो पानी है, ना तो सड़क है, ना तो शिक्षा है। ये जो उन्हें रोड खराब नष्ट करवा दी सी, यही की बजाय हमारे गांव में कुछ खेती में पैदावारी नहीं हो रही है। इस गांव के अंदर कोई सरकारी ट्यूबवेल नहीं है। किसान को कुल मिलाकर यदि अगर किसानी में कोई बाधाएं आती हैं, तो उसका सर मतलब सरकार का सहयोग देना काम है। हम लोग ऐसा ही तान तून के अपना दिन काट रहे हैं। हाँ बहन, हम तो कई बार ब्लॉक में गए, अगर जाओ मुखिया बोला कि जाओ यहाँ से, मोदी मुश्किल निकलेगा यहाँ से। जैसे बोलते हैं ना कि मूलभूत सुविधाएं रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग जीते हैं, वो सुविधा लोगों के पास में नहीं है, तो लोग काहे वोट देंगे। अरे आप कहीं दूर की नहीं जाए, जल जीवन मिशन जो योजना, हर घर से जल पहुंचाने की योजना, वो भी इतनी ध्वस्त पड़ी हुई है। नल तो लग गए हैं लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा। अरे भाई, हम तो शुरू कर रहे हैं कि पानी नहीं तो पानी दोगे कहे से, ये सब प्रचार की ही बातें हैं। कविता, जब ये एग्जिट पोल भी आ रहे थे तो हमें बहुत हैरानी नहीं हो रही थी कि बताओ, जब हम रिपोर्टिंग करने गए वहाँ के लोग कुछ और ही बोल रहे हैं, लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत नाराज हैं, बहुत हैरान हैं, और वो कह रहे हैं कि वो बदलाव की तरफ जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन ये एग्जिट पोल जो आज फेल हुए हैं तो वो कुछ और ही कह रहे हैं। चुनाव सिर्फ एक चीज जिसमें कार वालों के, कोठी वालों के, एयर कंडीशन वालों के वोट से आप चुनाव नहीं जीत सकते, बाकी तो सब कुछ कर सकते हैं इस देश में। चुनाव जीतने के लिए उनके पास जाना पड़ता है, उनका वोट मांगना पड़ता है। इसलिए चुनाव ही वो एक मौका है जबकि इस आवाज़ को आप उठा सकते हैं। तो चुनावी विश्लेषण करने वाले योगेंद्र यादव को हमने इंटरव्यू किया और उनसे जाना कि उनका चुनावी विश्लेषण क्या है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बोला और कई ऐसी लाइनें बोली जो आज भी मुझे याद हैं उनकी लाइनें। वो कहेंगे मोदी, आप कहना मुद्दा। वो कहेंगे हिंदू मुसलमान, आप कहना किसान और जवान। वो कहेंगे डर दिखाएंगे मणि का, आप उनको सच दिखाना मणिपुर का। जब ये सब हम करना शुरू करेंगे तब इस देश में लोकतंत्र आएगा, देश बचेगा। इस तरह की जो उनकी लाइनें हैं जो आज बहुत सटीक बैठती हैं, वो आज भी याद हैं और वो बहुत सच साबित हुई हैं। तो ये सब जब हमने रिपोर्टिंग की तो हमें समझ में आया कि इसमें तो बहुत बड़ा अंतर होने वाला है सरकार की बातों में, और जो विकास है उसकी जो जमीनी हकीकत है, उन दोनों में बहुत फर्क होने वाला है।